डगआउट में हमें नजर आ रहा है। फिर से एक बार अच्छी गेंद यहाँ पर कॉट बैंड की अपील, लेकिन हम्पायर ने इसे नकारा। इसकी वाहिद वजह यहाँ पे सना मलिक साहिबा है। इन्होंने हमारा भरपूर ताउन दिया, हमारा भरपूर साथ किया और इतना बेहतरीन ग्राउंड आप लोगों के लिए आज ये तैयार हुआ है। हमारी रिक्वेस्ट पे मैडम यहाँ पे आई है इस मैच का इफ्तिताह। नाम बताइए। सरफराज निजाम मुदीन। कुछ खास वजह से पहला मैच विकेट में नहीं, बॉल देने से साथ को बता लगता है काफी हार्डनेस लग रही है। हम बॉलिंग पहले स्टार्ट करेंगे निशान और कहाँ तक अपने प्रयास करेंगे, कहाँ तक अपने प्रयास होगा क्योंकि वो छोटे क्या अच्छा साइड होते रहे एक बार तो जानते हम पहले से अगले लोग थर्टी फाइव के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम लोग भी। थैंक यू वेरी मच सर। छह ओवर का मैच बेस्ट ऑफ लक फॉर द फर्स्ट मैच और इंडियन ऑयल के कप्तान मैम थोड़ा हटो जरा लाइट में भाई थोड़ा सा लाइट में सबसे करीब में बात करते हैं अपने द्वारा बात कि मिस काउंट की वजह से रिफ्लेक्टिव निकल रहा है लाइट के लिए अगर इससे बात तो बहुत बड़ा योगदान है और आपकी मेहनत आपकी पानी से आज ये ग्राउंड इससे तक में खेलने में उत्तराखंड के बच्चों को मिला है। क्या कहना चाहेंगे मैम, कितनी जद्दोजहद लगी इस कार्य को करने में? गुड मॉर्निंग। ये उतने एक खुशी का माहौल तो है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आपके गैर मौजूदगी में ये काम मुझे करना पड़ेगा। मैं नॉर्मली इतने दिनों में साहब के एब्सेंस में साहब का काम देखती हूँ, लेकिन कोई इवेंट की ओपनिंग या कुछ नहीं करती हूँ। लेकिन जलाल भाई ने मुझे बहुत इधर जज्बात में काफी चीजें बोली, इसके वजह से मैं इधर पहुंची हूँ। ग्राउंड की बात करें तो 2019 में जैसे साहब चुन के आए थे वैसे साहब ने, मेरे पिताजी ने ग्राउंड के रेनोवेशन की उसके काम के बारे में एक लेटर डाला था। साथ में कोविड आ गया, पता चला कुछ फंड पास हुआ है, बहुत लिमिटेड फंड पास हुआ था, फिर उसको बढ़ाने की अपील की गई और जब कॉन्ट्रैक्ट अलॉट हुआ काम चालू होते होते तक साहब का अरेस्ट हो गया था। लेकिन आज भी यहाँ से जाने के बाद मुझे साहब को यही बताना है, जब भी मेरी हफ्ते भर में एक या दो मुलाकात अलाउड है जैसे फैमिली को वैसे हम मिलते हैं उनसे, तो उनको बताना जरूर पड़ेगा कि हम इधर आए थे, ग्राउंड का नक्शा बदल चुका है और जलाल भाई ने जिस तरीके से हमेशा जलाल भाई जिस तरीके से हमेशा आपका स्वागत करते हैं उसी तरह मेरा स्वागत किया उन्होंने और
स्वागत भी किया और ग्राउंड की जो शक्ल है पूरी 360 डिग्री फिलहाल चेंज हुई है। इसमें और कुछ चीजें बाकी है, हम जितना है टीएमसी से काम कराने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद मेरी जलाल भाई से इधर के लोगों से पर्सनली कितनी बार बात हुई है, एक बार बीएमसी का काम हो जाता है उसमें कुछ भी चीजें पेंडिंग है तो हम साहब की फंड से इधर वो काम करवा के लेते हैं। इस ग्राउंड को बनाने के पिछले साल दो साल में बहुत लोगों ने गलत गलत मैसेजेस डाले, कुछ अफवाहें उड़ाए, बड़ा बुरा और भला बोले, लेकिन एंड ऑफ द डे जिसने एक बार चीज ठान ली वो काम होके रहता है। मैंने कितनी ही रुकावट आए, और एक चीज मैं बताना चाहूंगी या बोलना चाहूंगी, आप लोग बार बार ये बोलते हैं कि नाथ भाई ने ये कर दिया, नाथ भाई ने वो कर दिया, मैं बताना ये चाहूंगी कि आप लोग का भरोसा था और वो प्यार था जो आपने 2019 में उनको वापस से चुन के दिया, और उन्होंने अपना प्यार और अपनी जिम्मेदारी के तहत ये काम आगे बढ़ाया है। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल जीईपी न्यूज़, लाइक कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।